हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सो टुडे विल कवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन ह्यूमन राइट्स। विल कवर द मीनिंग, नेशनल ऑब्लिगेशंस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 37, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन, आर्टिकल 39B एंड 39C। सो लेट्स मूव फर्दर, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP, मुझे वैसे ज़्यादा समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को, फिर भी तो ये एक तरीके से आपको पता, ये एक तरीके से गाइडलाइंस होती है, ठीक है, जो स्टेट के लिए बनाई जाती है। गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दे आर आउटलाइंड इन पार्ट 4, ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो DPSP इज अ विजनरी एस्पिरेशनल सेक्शन दैट डायरेक्ट्स, ये क्या करती है, डायरेक्शन देती है स्टेट को इन मैटर्स ऑफ सोशल जस्टिस, उन्हें बताती है एक तरीके से गाइडलाइंस है जो फॉलो करनी चाहिए, लाइक सजेशन टाइप, एंड यू शुड फॉलो देम कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड, इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस एंड मोर। सो अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स से एकदम अलग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। आई थिंक दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग, यू आर हियरिंग दिस। आपको ये चीज पता होगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बट नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो बट दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो बट ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ नेशनल ऑब्लिगेशंस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 37। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनश्राइंड इन पार्ट 4, आर्टिकल 36 टू 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड गाइडेंस टू द गवर्नमेंट, ये प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फ्रेमिंग इन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड लॉज, एंड ये इन्फोर्सिबल नहीं होते कोर्ट के अंदर, ठीक है। नाउ आर्टिकल 37, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 37 स्टेट्स दैट ऑल्दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन्फोर्सिएबल ना हो किसी कोर्ट के अंदर, बट ये गवर्नमेंट के लिए फंडामेंटल है, ठीक है, और ये एम्फेसाइज करते हैं यानी जोर डालते हैं दैट इट शेल बी द ड्यूटी, ये बताते हैं कि ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो इन प्रिंसिपल्स को लाइक दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ, तो जब लॉ बनाया जाए तो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें, इन प्रिंसिपल्स को नजर में रखें और तभी बनाए, यानी फॉलो करना जरूरी है। नाउ नेशनल ऑब्लिगेशंस, द नेशनल ऑब्लिगेशंस एज मेंशन इन द पैसेज रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। सो दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टू इनैक्ट लेजिस्लेशन दैट अलाइंस। तो आप अभी ये इन द पैसेज वाली लाइन को हम करते हैं, दिस पार्ट इज नॉट रेलिवेंट, ठीक है। तो जो नेशनल ऑब्लिगेशन है वो रेफर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की कि वो इम्प्लीमेंट करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लॉ की फॉर्मेशन के अंदर। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टू इनैक्ट लेजिस्लेशन दैट अलाइंस विद द प्रिंसिपल्स आउटलाइन इन पार्ट 4। नाउ रिलेशन टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, सो नेशनल ऑब्लिगेशंस आर्टिकल 37 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, द नेशनल ऑब्लिगेशन रेफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की यानी गवर्नमेंट की टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करे इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज। तो लॉ को बनाते टाइम ये सेम बात ही बार बार बोली जा रही है अभी तो, रिलेशन टू फंडामेंटल राइट्स। इफ अ लॉ इज इनएक्टेड टू गिव इफेक्ट्स टू अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर एक लॉ को इनेक्ट किया गया है गिव इफेक्ट्स टू अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड इज चैलेंज फॉर वॉयलेशन फंडामेंटल राइट्स विच आर जस्टिकेबल एंड इन्फोर्सेबल, द सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर द प्रमोशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज अ फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। तो मैं आपको इस बात का मीनिंग समझाती हूँ। मीनिंग ये है कि अगर कोई भी जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इनैक्ट कराया गया है तो, और वो मतलब अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के बीच कुछ भी ऐसा होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं ऐसा लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को खुद लुकआउट करेगी, ठीक है, और वो ये चेक करेंगी कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है वो रीजनेबल है या नहीं है। देन आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सर्टेन फ्रीडम सच एज
freedom of speech, expression, assembly, association, etc. If a law challenged for violating these freedoms, the कोर्ट में अगर कोई भी लॉ चैलेंज करता है इनसे अगेंस्ट जाता है इन सारी चीज फ्रीडम को वायलेट करने के, तो जो कोर्ट है वो असेस करेगी दैट वेदर द लॉ इज इवन रिस्ट्रिक्टिव इज रीजनेबल. यानी अगर कोई लॉ है जो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देनी चाहिए, एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए, असेंबली एसोसिएशन इन सब चीजों में से किसी पर भी रोक लगा दे, तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी उस लॉ की रीजनेबिलिटी कि वो कितना रीजनेबल है, वो क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. ठीक है ना, कभी कभार होता है कि कुछ सिचुएशन में चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लॉ गलत है, बट इट शुड बी रीजनेबल एंड सुप्रीम कोर्ट विल इटसेल्फ चेक इट. ठीक है, नाउ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस आर्टिकल 39 बी एंड प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन आर्टिकल 39 सी. सो दीज आर्टिकल से दैट द गवर्नमेंट शुड इंश्योर फेयर शेयरिंग ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस एंड प्रिवेंट वेल्थ कंसेंट्रेशन इन अ फ्यू हैंड्स. इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्वायरिंग लैंड, इट एम्स टू अवॉइड टू मच वेल्थ इन हैंड्स ऑफ वन पर्सन. तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट एक्वायरिंग लैंड, ठीक है ना, इट ऑल्सो एम करता है कि अवॉइड टू मच वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन. तो सबको इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, एक ही पर्सन के पास सब कुछ भी जाना चाहिए, इससे रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे और सबको सब कुछ नहीं मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. यू शुड नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स इक्वली. सो फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 ए. आर्टिकल 39 ए टॉक्स अबाउट द गवर्नमेंट टू ड्यूटी टू प्रोवाइड फ्री लीगल हेल्प टू दोज हु कैन कांट अफोर्ड इट. तो फ्री लीगल हेल्प सबको नहीं देनी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको देनी है. ठीक है, सो दिस इंश्योर्स दैट एवरी वन गेट्स अ फेयर चांस. सबको फेयर चांस मिलना चाहिए लीगल सिस्टम के अंदर अपने पक्ष को रखने का, अगर वो किसी मैटर में फंस जाते हैं या किसी मैटर में वो कुछ लाइक दे आर स्टक इन सम मैटर. ठीक है, सो फाइनेंशियल सिचुएशन अगर उनकी खराब है तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा इस वजह से. द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 अलाउ सिटीजन टू गेट फ्री लीगल एड अंडर सर्टेन कंडीशंस. नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40. द स्टेट शुड ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत गिविंग पावर टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो स्टेट क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है विलेज पंचायत और वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर देती है. दिस प्रमोट डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल. द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1922 में डिटेल प्रोविजन फॉर फंक्शनिंग पंचायत इन इंडियन विलेजेस. ये सब हमने शायद आई थिंक काफी पढ़ा हुआ है. नाउ सोशल सर्विसेज आर्टिकल 41. आर्टिकल 41 रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू मेक प्रोविजन. आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ प्रोविजन बनाए जाए राइट टू वर्क के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसे कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी. तो मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर एंड पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुलफिलिंग दिस ऑब्लिगेशन. तो ये एक्ट जो है ये हेल्प करते हैं इन सारी सिचुएशंस के अंदर, जैसे प्रोविजंस होने चाहिए जो हेल्पलेस है, मतलब जिन लोगों को मदद नहीं मिल पा रही उन्हें इन इन चीजों में मदद होनी जरूरी है. ना यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, इसे इम्पोर्टेंट भी माना जाता है. इंडिया इज एनकरेज टू हैव अ सिंगल सेट ऑफ लॉ. ठीक है, सो इंडिया इज एनकरेज टू हैव अ सिंगल सेट ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन. तो इंडिया के पास एक ही लॉ है जो सबके लिए इक्वल है, चाहे कोई भी रिलीजन का पर्सन हो. सो दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड यूनिटी अमंग डिफरेंट रिलीजन्स. तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या प्रमोट कर रहा है कि सेक्युलरिज्म यानी सारे रिलीजन एक साथ है, ठीक है, और यूनिटी कि सब एक साथ रहेंगे, सबका सेम लॉ होगा, इस चीज को प्रमोट कर रहा है. ठीक है, देन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. द स्टेट शुड स्ट्राइव टू प्रोवाइड, आर्टिकल 45 में है, द स्टेट शुड स्ट्राइव टू प्रोवाइड फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन. ठीक है, अंटिल द एज ऑफ 14. The right of children to free and compulsory education act 2009 makes the right as a fundamental right for children aged 6 to 14. Promotion of weaker section article 46 के अंदर है कि जो वीक सेक्शन है उनको प्रमोट करना, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, तो इनकी एक्सप्लॉयटेशन ना, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, इसलिए रिजर्वेशंस भी है. द
देन पब्लिक हेल्थ आर्टिकल 47, द स्टेट शुड वर्क टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, रेज न्यूट्रिशन लेवल्स एंड प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रिंक्स एंड ड्रग्स. इसलिए एल्कोहल इन सब के ऊपर कुछ जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशन है. ठीक है, दिस प्रमोट्स अ हेल्थी पॉपुलेशन. कुछ कुछ जगहों पे बैन भी है कुछ चीजें. नाउ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर आर्टिकल 48, द स्टेट शुड ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर यूजिंग मॉडरेट एंड साइंटिफिक मेथड्स. ठीक है, ये एम करती है प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट लाइफ स्टॉक को, और कुछ लॉज भी बनाए गए हैं जैसे कि काउ स्लॉटर और अलाइन, मतलब कुछ इन चीजों को बैन करने के, काउ स्लॉटर हो गया, अलाइनिंग विद देयर ऑब्लिगेशंस. नाउ सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50, देयर शुड बी अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन जुडिशियरी. ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग बॉडीज है, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस. दोनों को सेम में ना समझा जाए, दोनों डिफरेंट बॉडीज है. ठीक है, उनके गोल भी डिफरेंट है. दिस गोल हैज लार्जली बीन अचीव्ड इन इंडिया, तो इंडिया में गोल अचीव भी किया गया है. तो मैं आपको एक बार के लिए अपनी नॉलेज के लिए बता दूं, जुडिशियरी इज समथिंग जैसे जो जज करती है, जो चेक करती है कि द काम जो हो रहा है वो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, लोगों को लॉ से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, लॉ वर्क कर रहा है ठीक से या नहीं कर रहा है, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग और हैव लाइक इट इज अंडर कंट्रोल और नॉट. और एग्जीक्यूटिव जो है, जो लॉज बन जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करती है, यानी कि देखती है कि पब्लिक फॉलो कर रही है उन लॉ को या नहीं. सो दीज आर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटमेंट दैट इंडिया एज अ नेशन एम्स टू फुलफिल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.